जो इस वक्त शहर लाहौर का सबसे बड़ा लंडा बाजार समझा जाता है और लोग दूर दराज से आते हैं सस्ते कपड़ों के असूल के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलात भी आपके सामने है। एक जानिब तजावुजात की भरमार है तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर फुटपाथ पर पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं और उसके अलावा इस पार्किंग स्टैंड्स की जो फीस भी वसूल की जा रही है। बाकायदा तौर पर सिर्फ ये पार्किंग की जगह यहाँ मौजूद नहीं है बल्कि अलग से जगह यहाँ बनाई गई है फुटपाथ की, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है और ये लाइन सिर्फ जैसे ही हाजी कैंप में बंदा एंटर होगा उसको ये पूरी लाइन देखनी पड़ेगी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग पैदल चलने वाले हैं वो पैदल किस तरह से जाएंगे, एक तरफ तजावुजात की भरमार है और थोड़ा सा जो रास्ता बचा है बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं, एम्बुलेंस जिसको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरती है। तो अगर पैदल चलने वालों की बात की जाए तो वो फुटपाथ जो उनके लिए मौजूद था उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो वहीं अगर आप कैमरे की आंख से देख सकें तो कैम्पराई इंसदादे तजावुजात भी यहाँ पर मौजूद है और वो इस हवाले से काम कर रहे हैं तजावुजात पर कि यहाँ पर डेली बेसिस पर हमने काम करना है। ये काम 2 माह से चल रहा है, 2 माह से के दौरान की अगर बात की जाए 2 माह में रोजाना की बुनियाद पर 4 ट्रक्स यहाँ पर सामान भर के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर रोजमर्रा की निस्बत यहाँ पर 4 ट्रक्स भर के जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी यहाँ पर तजावुजात की भरमार है। दुकानें अंदर मौजूद है लेकिन दुकानदारों के बाहर फट्टे मौजूद हैं, फट्टों के बाहर थोड़ा सा आगे चल के आए तो रेहड़ियाँ मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके अलावा तजावुजात का जो अमला है वो भी हमारे हमराह होगा और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो तजावुजात का अमला यहाँ पर काम कर रहा है और रेहड़ी वालों का इस मुतालिक क्या मौकिफ है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। भाई जी वो पूछ रहे किसने होड़ दिया पर्चियां दे रहे, उधर बैठे हैं। कौन बैठा है? ये इधर बैठे हैं वो। वहाँ पर तो कोई नहीं, वो तो कैंप लगा हुआ है। नहीं नहीं ये इधर बैठे हैं। कौन? इधर। नाम बताए ना, मैं दे रहा हूँ इनको, मैं वापसी दूंगा। भाई साहब जो मैं बात ही नहीं करना चाह रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं की इस वक्त यहाँ पर फुटपाथ पर जो पार्किंग की जगह बनाई गई है गाहकों की जानिब से और वो किस तरह से है और लोग यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं और उसका कहना है कि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम ये पर्ची माफिया भी यहाँ पर मौजूद है। ये सारे पर्ची माफिया खड़े सारे इधर। अच्छा। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मेरा बैग लगाए, मैं लड़का देख रहा हूँ, चाबी उसके पास है। चाबी उसके पास है? जी। किसके पास? स्टैंड वाले के पास। ये आपने पैसे देंगे इनसे? नहीं जी। पर्ची नहीं? पर्ची नहीं दी इसने? वो मुझे चेंज मांग रहा, मुझे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। की बाइक यहाँ पर मौजूद है? तो सामने खड़ी है मेरी। सामने खड़ी है? वो सामने खड़ी है। अच्छा, ये बेहतर समझ रहे हैं कि फुटपाथ पे इस तरह बाइक्स लगानी चाहिए? बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। यहाँ क्या करने आए? खरीदारी करने आए। तो खरीदारी तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं आप? इतनी का क्या करें? अच्छा, दूर से देख रहे हैं। हमारी पहुँच से बाहर क्या करें? सामने को शॉपिंग करने आए। मैं बेटा ये कहना चाह रहा था कि ये सामने लिखा हुआ है कैंप राय इंसाद तजावजा, तो काम कर रहे हैं जी, इतनी कोशिश है काम। तजावजा जो है ये उठा नहीं रहे हैं जी, ये गवर्नमेंट को चाहिए या तो ये कैंप उठा ले या ये उठा ले, दोनों से बेहतर नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं आ जाए, बहुत रश है, बहुत रश है। पहले से बेहतर नहीं? नहीं, जब हम जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी का लम, तो कम अज़ कम ये जो है ना अपना तजावजात और ये अपना फुटपाथ ये खाली होने चाहिए। फुटपाथ आपने पूरे लाहौर में कहीं देखा कि फुटपाथ के ऊपर इस तरह बाइक्स रखी हुई? नहीं देखी। लगाई हुई है पार्किंग स्टैंड तो वहाँ पर पर्ची माफिया जो मैंने उससे पूछा तो वो बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहे कि मुझे अलाउ नहीं है बात करनी। नहीं, ये तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये चाहिए कि कम अज़ कम ये आवाम की सहूलत के लिए कम अज़ कम ये जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करवाया जाए। वो अभी भी कैमरे की आंख से हम देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर रश है वहाँ पर जी, जी। एक गाड़ी मुश्किल से गुजरेगी, पैदल चलना मुश्किल है बेटा, पैदल चलना मुश्किल है। रास्ता ही कब्जा किया हुआ है वहाँ पर, पैदल पे कब्जा किया हुआ है, उधर चले जाए उधर चल जाए रास्ता नहीं है, और बाद एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस को इतने टाइम हो जाता है वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकती। पूरी सूरत है ये मेरी आपसी के तवज्जो से ये गुजारिश है महकमे से महकमा जात से कि कम अज़ कम इंसानी हकूक का पमाल ना करें, थोड़ा सा तो कर लिया जाए, उसको अच्छा करें, साज कर लिया जाए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल तजावुजात यहाँ पर लगाई है, ये जो कैंप सामने लगा वही काम कर रहे हैं इस पर? नहीं, साफ जाहिर है मैं ये कह रहा हूँ कि सामने कैंप लगा हुआ है और सामने तजावुजात है, ठीक है, आमने सामने दोनों हैं
दोनों में को उस पर अमल नहीं हो रहा। सामने कैंप लगा हुआ, वो टीम मेरे साथ गई थी, सामान उठाया था, ट्रक में गया। हाँ जी, लेकिन वो बाद में फिर आ जाएगा, चंद घंटों के बाद सामान फिर आना है, फिर लग जाना। एक्चुअली इसका प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर ये होना चाहिए कि सामान दोबारा ना लगे। बहुत शुक्रिया। उसका कुछ हो रहा है, वो माल खराब हो रही है, रुमाल से उठाए उसको बोल दो आसिफ साहब को, बता। सामान उठाया आप लोगों ने? जी हाँ, रुमाल मफरल उठाए सारे, वो गीले हो रहे, वो उसको कह दो। मैं उसको कह दूँ? उनका तो काम है यहाँ से चीजें उठा के लोगों ने सफाई करनी है। ये मैंने मफरल और सारे रेडियो का जो जिम्मेदारी है वो रेडिया है, हम तो नहीं है ना, जो रेडियो वालों ने चौकीदार खड़ा करते हैं, कोई कहता है उस साइड पे जाओ, कोई कहता है उस साइड पे जाओ, दरमियान में हम घर पे रेडियो वालों को कुछ नहीं कहते। दुकानें बनाई जाती है ताकि वहाँ पर सामान लगा लिया जाए, तो यही बात है, रेडियो वालों का कसूर, आप उससे कह दो। बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की जो खूबसूरती है वो आए रोज मान पड़ने लगी, उसकी सिर्फ वजह जो सामने आती है वो पार्किंग माफिया भी आती है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम लोग देखते हैं कि पूरे शहर लाहौर में जगह जगह पार्किंग के डेरे मौजूद हैं, या फिर अगर लाहौर को किसी ने अपने शिकंजे में लिया हुआ है तो वो तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के हवाले से इस वक्त तमाम इदारे काम कर रहे हैं, और इसमें ना सिर्फ कोई एक इदारा बल्कि मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कैम्प ब्राइन से ज़्यादा तजावजात का जो है ना वो लगा दिया गया है, बल्दिया इस पर लाहौर इस पर काम कर रही है, और उसके बावजूद तो कुछ ही हिस्सा ऐसा है जहाँ पर क्लियर कर लिया गया है, लेकिन बाकी जगह वही सूरत हाल है। अमजद साहब, आप इस कैम्प को लीड कर रहे हैं, जी। ये कब तक सारा सफाया होगा यहाँ? ये आपके सामने दो ट्रक गए हैं, अभी सामान उठा गए हैं, जो ये पार्किंग हुई है ना, ये ली पार्किंग वालों ने ठेका दिया हुआ है, ठीक है ना? ली पार्किंग जो है, ली पार्किंग जो है, ठीक है, पार्किंग से ये उनका है, ये इनका इस कैंप से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, हमारा ताल्लुक वालों का कोई ताल्लुक नहीं है, इस कैंप से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ली पार्किंग का अलग महकमा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। आप पार्किंग वाले के पास जाएं, वो उन्होंने जहाँ से प्रूफ को आई आपको बताएंगे, ठीक है ना। तजावुजात की अगर बात करें तो ये जो पार्किंग यहाँ पर, उसको कानूनी पार्किंग नहीं कह सकते, गैर कानूनी, ये कानूनी पार्किंग, ये कानूनी पार्किंग, आप देखें इनके पास लेटर है, लेटर है, वही कह रहे हैं इसका हमारे हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एक जो ये लगा हुआ ना कैंप है, इसका ताल्लुक नहीं है हमारी, ये पार्किंग अभी दो ट्रक गए हैं, सामान उठा के ले गए, फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई थी तो ट्रक यही मौजूद था और सामान उसमें मौजूद था, या शायद कैमरा देख के सामान लेके जाया गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं, वो रूटीन की बात है, वही छोड़ के आएंगे, फिर आ जाएंगे इधर, फिर से आएंगे। वो जो रोड है कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं, उस तरफ जो रोड है वो सारा अभी भी ब्लॉक है, तकरीबन कोई जगह नहीं है वहाँ से खवातीन कैसे गुजरेंगे, बाइक्स कैसे गुजरेंगे, एम्बुलेंस जो यहाँ से गुजरेंगे। देखिए, जब ये शोल्डर पे चीजें भेज रहे हैं ना, यहाँ दूर से रश लग रहा है, आप ट्रैफिक चल रही है, आ रही है, जा रही है, ट्रैफिक में आ रही है, लेकिन ट्रैफिक किस तरह से चल रही है वो भी आपके सामने ये देखे है, ये शोल्डर से ये उठा के लाए हैं, ठीक है ना, ऐसे ये रश ही उन्हें क्या है, देखे ये आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा रश उनको भी शिकंजे में लिया हुआ है, बल्दिया शिकंजे में लिया, आपकी मेहरबानी से जैसे लोअर न्यूज हमारे साथ चल रहा है, ठीक है ना, एकदम ना हमारी अपडेट देता है, हमारी तरीफ बयान कर रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। पहले तो कुछ महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल थी, यहाँ से पाँव रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो इनका सीजन होता है, सर्दी का सीजन होता है, ये बहुत ज्यादा रश होता है, ठीक है, मगर गर्मियों में भी यही सूरत हाल थी? नहीं, गर्मियों में नहीं होता, गर्मियों में ये सब पठान लोग आए होते हैं घर बार करने, ये चले जाते हैं यहाँ से, और जो ये पार्किंग का स्टैंड है ना, ये ली पार्किंग वाली है, इनसे आप देखें, ली पार्किंग की बात नहीं हो रही, पार्किंग का मसला एक अलग मसला है, सिर्फ इस वक्त तजावुजात की बात हो रही है, क्योंकि पूरे शहर लाहौर में तजावुजात ही तजावुजात हैं। हम किसी मार्केट में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, शालम मार्केट हो या रंग महल हो या नारकली, तजावुजात है, और ये सूरत हाल सिर्फ एक जगह नहीं, इलामा इकबाल टाउन में भी यही सूरत हाल। ऐसे बिल्कुल ऐसे है, मगर हो रहे ऑपरेशन रोजाना हो रहे हैं, और डीसी साहब इसको खुद वॉच कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर फाइन हो रहे हैं, सामान जब्त कर लिया जाता है, इंशाल्लाह आपके साथ मिलके और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सूरत हाल, ठीक है। ये आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, इस वक्त उस साइड पर जो बाइक्स लगाई गई हैं वो भी उसी पार्किंग के लीड में आ रहे हैं, इसको आप उन्होंने दो लाइनों की दी इजाज़त ली पार्क ने, अगर दो से तीन है पर बाइक्स हैं, ये तो जायज है, देखे ना कस्टमर आते हैं वो खुद ही खड़ी कर जाते हैं इसको, है बंदा ही नहीं है जो उनको मना करे कि फुटपाथ कोई जगह, ये तो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। यहाँ आप देखे ना, ये सिविल में भी पुलिस वाले फिर रहे हैं, रेलवे पुलिस वाले फिर रहे हैं, मना करते हैं वो, आप कैसे करें हैं।
अपनी ड्यूटी अंजाम दे ही रहे हैं, वो कड़ी धूप हो या ठंड हो उन्होंने खड़े होने ही होने। लेकिन इस वक्त सवाल ये है, यहाँ पर जो फुटपाथ है उसके ऊपर पूरी बाइक्स हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रास्ता ब्लॉक है बाइक्स है। जो बंदा यहाँ से पैदल चलने वाला है वो यहाँ से गुजर के जा रहे काम कर रहे हैं ना पार्किंग साथ पे आप काम कर रहे हैं। ये आपने कैंप भी इसी मकसद के लिए लगाया हुआ है। इंचार्ज ऑफिसर स्तर जो हैं, जो सुहेल अशरफ गोंदल साहब, वो इसकी सरब्राई कर रहे हैं अभी रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपने तजावजात को पार्क करना है लाहौर से, तो ये बाइक्स इसका जिम्मेदार कौन है? आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं कि ये तजावजात तो हम इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह? क्या कह रहे हैं कौन क्या कह रहे हैं ये बाइक वाले? जो बाइक गैर तो सूरत हाल आपके सामने है। उस तरफ अगर देखा जाए तो बाइक्स फुटपाथ के ऊपर बाइक्स मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो एक जगह तो कैंप लगा हुआ है यहाँ पे तजावजात का, लेकिन दूसरी जानब भी ट्रैफिक जो मुतासर हो रही है वो किस कदर मुतासर हो रही है। पैदल चलने वाला बंदा भी सड़कों पर चलने पर मजबूर है, क्योंकि जो रास्ता है फुटपाथ का वो उस तरफ है, लेकिन फुटपाथ के ऊपर पार्किंग जो गैर कानूनी पार्किंग बनाई गई वो आपके सामने है। बाइक्स की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा रेहड़ियाँ जो रेहड़ी बांध जिस पर काम करते हैं तजावजात का जो अमला यहाँ पर मौजूद है उस पर काम कर रहे हैं, और अभी ट्रक पे ट्रक जा भी रहे हैं तजावजात के हवाले से, रेहड़ियाँ भर भर के जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस कदर रश है कि बल्दिया इसमा जो है बड़ी मुश्किल से सारी जो सूरत हाल उसको मैनेज कर रही है। मजीद भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं इंसदादे तजावजात के हवाले से, जिसको लेकर इस वक्त पूरे इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन कैंप के नाक तले इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर भी तजावजात हैं। ये जो जितनी सामने ये लगी हुई रेहड़ियाँ, ये मार्केट्स वाले सब जाके इन्होंने मीटिंग की ऑफिसर से, उन्होंने इनको एक लाइन लेंथ दी है। अब इस लाइन लेंथ से जो बाहर आता है हम उसको उठा के ट्रक में लोड कर लेते हैं। आपने देखा कि ट्रक हमारा काम कर रहा है, यहाँ पे रेहड़ियाँ मौजूद है, बाइक्स मौजूद है। एक ट्रक खाली होने जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाना है। ये हम लोग ये हाजी कैंप को हमें बहुत जो है हदायत है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वो पैदल चल के इस वक्त आ रहे हैं और एक साइड पे काम करे। मेरी बात मुकम्मल होने दें, बात ठीक है, बात मेरी मुकम्मल होने दें। और फुटपाथ का जो रास्ता है गुजरने के लिए उसके ऊपर बाइक्स है। ये बाइक्स की जिनकी जिम्मेदारी है, जो पार्किंग को देखते हैं वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, और वो FIR भी दे रहे हैं इनको जो जो यहाँ पर ये पार्क कर रहे हैं। ये लोग खुद आकर जो कर दे, अगर यहाँ पे कोई टोकन लगाने की कोशिश करे, कोई ऐसा काम करे, उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ FIR दी जाती है। ये ZOR साहब की हमें सख्ती से हदायत है, उस बंदे की ड्यूटी अलग है। वो जैसे ही यहाँ पर कोई मसला होता है हम उनको पकड़ लेते हैं, और वो जो है फौरी तौर पर आके उसकी FIR देते हैं। सारे काम होने के बावजूद दो दिन गुजरते हैं और तजावजात वहाँ पर होते हैं। हम लोग रूटीन से डेली यहाँ पर सुबह और शाम दो टाइम पर लाजमी हमारा जो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड का ट्रक है बीमा स्टाफ यहाँ पर लाजमी आता है। वो ट्रक तो अभी भी वहाँ से ये आपने देखा है, वहाँ काम कर रहे थे। अच्छा। वहाँ पर जो जो लोग लाइन लाइन से बाहर थे मैं खुद इनके साथ गया हुआ था, वहाँ उनको उठाया मैंने, और ये ट्रक आपके सामने लोड होकर आ गया। ये और ये काम रूटीन में चलना, ये नहीं कि अभी 5 मिनट होगा 10 मिनट, नहीं, ये हमारा काम। मैं तो यही समझ रही थी कि जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ ट्रक यहाँ पर मौजूद था और हमें देख के कैमरे की आंख देके गया है। होता ऐसे है कि ये लोग जब हम ट्रक लेके निकलते हैं, देखे रश है, ये रेहड़ियाँ वाले ट्रक देख के भाग जाते हैं। हम लोग अपना स्टाफ को पैदल लेकर जाते हैं वहाँ पर, जो जो लाइन लाइन से बाहर होता है मुझे पकड़ लेते हैं, उसे खाली करते हैं, इस ट्रक को कॉल करते हैं फौरन यहाँ पर आओ, वो फौरी तौर पर हम लोग लोड कर देते हैं। ये रूटीन है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तजावजात मसला है पूरे लाहौर की खूबसूरती तजावजात ने खराब की हुई है। और जो बाइक्स यहाँ पर लगाई गई हैं उसकी उसको लीड तो कोई कर ही रहा होगा, उसके पैसे भी कोई ले रहा होगा। वो पार्किंग वाले अलग हैं, पार्किंग की जगह क्या सरकार ने ये अलाउ की कि आप फुटपाथ पे जो पैदल चलने वालों का सूरत भी अलाउ नहीं है। अच्छा। ये टोटल अनलीगल पार्किंग है, और इस अनलीगल पार्किंग के ऊपर वो क्या नाम है जो लड़का जो पार्किंग यहाँ पे नोट अनुमान नुमान भाई हैं, वो आते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं जैसे कोई ऐसे मामला होता है वो FIR भी देके जाते हैं, उसके पास चीज का रिकॉर्ड भी होगा। नुमान साहब से आपकी बात होती है? जी जी होती है। क्या मौके पर उनसे हम फौरन बताते हैं जी, यहाँ पर ये बाइकें जो खास करके जो फुटपाथ के ऊपर है, हमें ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है,
वो रेडियो वाले चलो कंट्रोल हो जाते हैं, ये बाइक्स वाले अब कोई आएगा खुद अपनी मर्जी से यहाँ पार्क करके चला जाता है, कोई कुछ करता है। हमने बात की है कि हमें परमिशन मिल जाए कि इसके ऊपर कोई वायर वगैरह ऐसी लगा दे, वो भी हम इसलिए नहीं लगाते, लोग जो रोड क्रॉसिंग लोगों की रुक जाएगी अगर यहाँ कोई वायर या कोई ऐसी ब्लॉक करेंगे। रोड क्रॉसिंग तो रुकी हुई है, जब फुटपाथ पे जगह ही नहीं है तो रोड क्रॉसिंग तो वैसे ही रुकी है, लोग पैदल जा रहे हैं। तो बहरहाल इसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी शायद इसको बुलाएं और इसके खिलाफ FIR एक और करवाए। यहीं पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इंसदादे तजावुजात के हवाले से जो कैंप्स लगाए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अमजद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, आसिफ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ ही फील्ड में मौजूद रहिएगा। और इसके अलावा दूसरी साइड जो आपके सामने है सर, ये जो लोग शोल्डर्स पर रख के बेच रहे हैं वो, ये भी तो रुकावट का बाइस बन रहे हैं। सामान भी मैं उठा उठा के ट्रक में फेंकता हूँ, इनका सामान भी उठा उठा के फेंकता हूँ, और इनके खिलाफ अमजद साहब ने बकायदा FIR भी दी है। आप शोल्डर शॉप्स है ना, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़्यादातर रश भी इन लोगों का है। अब होता ऐसे है कि ये यहाँ रोड के ऊपर खड़े होते हैं बाइक पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आया हूँ, मैंने वहाँ पे वहीं पे रुक जाना, खड़े हो जाना है, और पीछे सारी ट्रैफिक का निज़ाम हम लोग ख़राब कर रहे हैं। ये मार्केट के ये हम लोग ये शोल्डर शॉप से इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, और ये बकायदा हर मार्केट की ये बात करें सदर की, हर मार्केट का सदर होता है ये मार्केट वालों ने अपने यहाँ पे सदर को मालूम नहीं है कि ये सूरत हाल है। तो हमने कहा है कि यहाँ पर अपने गार्ड खड़े करें, ये जो ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है कम से कम ये ना होने दें। अगर आप लोगों को कोई इजाजत मिली है भाई लाइन लेंथ में रहने की तो उस चीज को खराब मत करें। इनको बार बार जब भी बात होती है रेड़ी बानों की, फट्टा लगाने वालों की, उनसे रेंट लिया जाता है बकायदा उस चीज का? नहीं, हमारे हमारे यहाँ कोई इस चीज़ का रेंट वगैरह नहीं है, अपना फट्टे का ना रेंट। बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि बल्दी अजमा आते हैं, इदारे आते हैं, वो हमसे पैसे लेके जाते हैं। वो कहने वालों को मैं किसी की जबान तो हम नहीं रोक सकते ना, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर किसी कोई रेंट वगैरह गवर्नमेंट किसी से नहीं लेती, इनको वैसे ही रिलीफ दिया गया है। ये लोग सब यहाँ पर, हमने लास्ट टाइम ऐसा किया था कि बिल्कुल जीरो कर दिया था, ये लोग अपनी शॉप्स के अंदर चले गए थे, इदारों पर इल्जाम आते हैं जी, इनको शॉप्स के अंदर कर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल जीरो कर दिया गया। अब ये लोग ये तमाम तार ये जो यहाँ पे सदर बने हुए हैं ये सब लोग इकट्ठे होकर अब वहाँ पर गए हैं, तो इन लोगों को ये लाइन लेंथ मिली है कि जी हमें इतनी की बराए मेहरबानी परमिशन दे दें, गरीब लोग हैं रोटी कमा, उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपनी लाइन लेंथ में रहेंगे, इससे अगर बाहर आएंगे तो ये कार्रवाई होती रहेगी जो यहाँ पे हो रही है। होती रहेगी कार्रवाई, दिखाएंगे भी हमारे साथ ही आज है ताकि जो सामने सूरत हाल है वो कैप्चर हो सके। आज कार्रवाई कर रहा है सर, वो तो अभी सामान रखने गया हुआ है ना, आपने कहा है इसलिए नहीं जाना, बुलाने ये खड़ा ट्रक। अच्छा इसमें यहाँ मैं इसलिए नहीं खड़ा करता यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लाकर अगर ट्रक भी खड़ा कर दूंगा तो आपके सामने यहाँ क्या हालात बनेंगे, फिर यहाँ तक ट्रैफिक रुक जाने से सामान कैसे जा रहा है फिर यहाँ से उठा कर? ये दूसरी गाड़ी आएगी ये चली जाएगी। ये जो रेडी बहन है ये सड़क के ऊपर है तकरीबन, ये लोग यहाँ पर से बाहर नहीं आ सकते, इनको नहीं है। अब इशू ये है ये देखें, अच्छा। ये पार्किंग है, ठीक है। जी इनको ये अलाउ है, पार्किंग का होल्ड किसको दिया हुआ है? ये लाहौर पार्किंग देखता है इस एरिए को, अच्छा। ये एरिए को यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको लाहौर पार्किंग वाले देखते हैं, पार्किंग अलाउ है इनको, ये तो हमने लाहौर के ऊपर पार्किंग वालों के खिलाफ हमने हजार दफा ये मैसेज दिया हुआ है कि ये लाहौर पार्किंग को बोले कि इसको आगे लेके शिफ्ट करें, अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इस चीज़ के लिए इनके साथ खड़े हैं कि भाई जहाँ आपको लगा आपके इशू मना हुआ है वो हमें बता दें, हम उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, आपके आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है यहाँ पर, हम लोग सुबह 9-10 बजे तक आ जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले 25 मिनट यहाँ पे मौजूद रही हूँ, सूरत हाल देख रही थी, उस वक्त हमला वहाँ पर बैठा हुआ था, जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने कैंप में बैठा रहना है, जो ट्रक का स्टाफ है, बंदा था कैंप पे, अमजद साहब थे बस, ठीक है अमजद साहब वहाँ थे, वो इंचार्ज है यहाँ पर, अमजद साहब इंचार्ज है यहाँ पर, वो वहाँ पर थे। हम लोग ये ट्रक लेकर, जैसे आपको मैंने बताया कि लड़के पैदल जाता हूँ मैं साथ लेकर, टीम को सारी को कार्रवाई की, ट्रक मंगवाया, उसमें रेडियां लोड कर देते हैं, मंगवा लें जरा दोबारा ताकि हम देख सकेंगे किस तरह से जो है बल्दिया इसमें इस पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर रेडी बांध मौजूद है उनसे भी बात करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि ये रेडी आपने वो जो सामान रख रहे हैं ना वो देखे ऊपर, वो सामान रख दिया उसने, अब वो ट्रक लेके इस तरफ आ जाएगा, ठीक है वो आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा दिखा दे जरा उसामा कैमरा मैन, जरा दिखा दे वहाँ पर, ठीक है अभी उसको खाली करने फिर वो यहाँ आएगा ना? नहीं नहीं, मैं ट्रक दो तीन नहीं होने चाहिए हमारे पास, है टोटल दो ट्रक गुलबर्ग टाउन में, एक जो है उस एरिया में रहता है, एक जो है ना वो डेली पे यहाँ पर आता है, अभी एक शिफ्ट जाएगी सेकंड शिफ्ट ये ट्रक लेके दोबारा यहाँ आएगी। अच्छा एक दिन में कितने ट्रक जो है वो यहाँ से भर के जा रहे हैं? चार तीन चार रूटीन है यहाँ पर, बाबा जो इतना बड़ा
क्या ये हाजी गेम तो नहीं है कि सामान मौजूद है? ये लोग पता नहीं अभी यहाँ से रेड़ियाँ उठाते हैं, अभी आप देखेंगे कि 10 मिनट बाद वो रेड़ी वाला आ गया सामान, फिर उसको और रेड़ी ले आया था। अच्छा। हमें तो ये नहीं पता इनके पास कितनी रेड़ियाँ हैं। सर आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी नजरों के सामने सामान लग रहा है, आपको मालूम नहीं जा रहे हैं? हम मॉनिटर ये कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हम जो रेड़ी मैंने आपसे कहा है लाइन लाइन से बाहर आएगी, हमने उठानी है। पार्किंग माफिया भी पूरे लाहौर में मौजूद है, जो एक तो गैर कानूनी पार्किंग लगा रहे हैं, फिर उसके बावजूद पैसे वसूल कर रहे हैं, पर्ची माफिया, पार्किंग माफिया, किस किस माफिया से जान छुड़ान? ये उनको ही बकाल कर रहे हैं जो पार्किंग जो देखते हैं, जिनकी ड्यूटी है स्पेशल पार्किंग के लिए, पार्किंग का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अलग है। अच्छा। वो इनके खिलाफ FIR भी देते हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं जी। ये जो पर्ची लेते हैं यहाँ पर आ गए जैसे कि, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अभी अभी ये काम होना शुरू हुआ है, इससे पहले तो ये लोग मजे से चीज़ें बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं काम करने वाले यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी आप आएंगे यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा। इससे पहले मैंने नहीं देखा, इससे पहले नहीं देखा मिलेगा। ट्रक आपको मैंने बताया वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे ट्रेडियाँ लोड करके आपके लोगों ने भी देखा है, यहाँ से ट्रन लेके ऐसे आया, मैं आपके सामने पैदल आया हूँ, पैदल ही गया था, पैदल जाके लोड करवाई है रेडियां, ट्रक लेके लोड करवा रहे हैं सारा जी। जहाँ पर जो भी वापस आते हैं तो नई रेडियां लगी होती है, हम दोबारा उठाते हैं उनको, बता रहा हूँ कि डेली 4 ट्रक सामान यहाँ से जा रहा है, डेली जा रहा है। अमला ज्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर? देखें स्टाफ तो वही है ना हमारे पास जो होना है, हम वो अपना सारा स्टाफ लेकर यहाँ पर, जो एक ट्रक के ऊपर स्क्वाड है पूरा हमारे साथ, वो यहाँ पर डेली बेसिस काम करता है, पे काम कर रहे हैं। और ठीक है, ये जो दुकानदार जो अलाउ करते हैं कि मेरी दुकान के बाहर फट्टा लगा लो, जब उस दुकानदार से पूछा जाता है वो खामोशी कर कर लेते, बोलते ही नहीं है। आप ये बताएं हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बंदा यहाँ पर है, काम आम शहरी है, ठीक है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ इस वक्त, आपको जो है ना वो साफ़ी नहीं है, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई ऐसे को काम कर सकता है हमारे घर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे घर के आगे कोई कर सकता है? हम जब तक हम खुद इसे परमिशन नहीं देंगे ना यार आप मेरे घर के आगे बैठ जाओ, वो फिर बैठता है। सबसे पहले जो घर वाला ना उसने ये भी चीज़ देखते हैं हमारे घरों के पास कोई चीज़, दुकानदार कहते हैं कि इदारों ने परमिशन दी है तो लगाने दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने आपको बताया है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज़ को, ये हमने बिल्कुल जीरो कर दिया था, ये अपने जो इनकी हदूद है उससे 1 इंच भी बाहर नहीं थे, ये सब लोग मिल के यहाँ मार्केटों के जो सदर वगैरह हैं ये सब लोग मिलकर वहाँ गए हैं, इन लोगों ने जाके वहाँ बात की है, रिक्वेस्ट की है हमें ना उठाने दें यहाँ से, सिर्फ इतनी एक लाइन लेंथ देते, ये लोग यहाँ तक रेड़ियाँ लगाते थे, इनकी रेड़ियाँ यहाँ तक लगती थी, अब आके इनको पुश किया है, अब ये वहाँ तक रहते हैं। जो भी बता रहा हूँ बार बार एक ही बात कर रहा हूँ मैं कि जो बाहर आता है वो कार्रवाई पूरी तो बार बार इसलिए उगलवाना पड़ रहा है क्योंकि लोग जो इल्जाम लगाते हैं, फिर अब मैंने आपको जो तजावजात वाले हैं वो यही कहते हैं कि हमें इदारों ने अलाउ की है, ये देखिए ये आपके साथ लेके जा रहे हैं, ये ट्रक आ भी गया है और ये कार्रवाई करके आ रहा है, ये खाली नहीं आ रहा। ठीक है जी, यहाँ रेडी बानों से बात कर लेते हैं, उनके इस मुताबिक कहना है, आ जाए हमारे साथ ही आइए आप। हाँ भाई, ये रेडी किसकी है? तो है रेडी वाला भाई, को रेडी वाला मौजूद है यहाँ पर? एक वो बात करना ही नहीं चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, आगे आ जाए मेरे साथ, और भी लोग हैं, आ जाए। क्या हाल है? ठीक ठाक। कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। उनको बुलाओ आप, रेडी लगाना यहाँ पर किसने अलाउ किया? आप रेडी इधर हम खुद लगाते हैं, लगाते हैं यहाँ पर, टीमें आके कहती हैं कि यहाँ से चीजें उठा ली जाएंगी? नहीं नहीं कहती, इधर हम फ्री खड़े रहते हैं, फ्री खड़े रहते हैं। अभी तो आप ये चीजें बेच रहे हैं? तो ये चीजें बेचते हैं बस, इधर आके सुबह लगा देते हैं। अच्छा। तो इधर सेल करते हैं। ये इस चीज का कोई रेंट नहीं ले रहा? नहीं नहीं, इधर से कोई नहीं। ये आपको मालूम है कि आपने ये तजावजात के अंडर लगाया हुआ है सब कुछ? ये आपने ये तजावजात के अंडर लगाया हुआ है, उस गलत है ये, पता है आपको इस चीज का? तो इधर किधर लगाए, हम तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, समझ आ रही है? ये कारपोरेशन वाले आएंगे सामान उठा के ले जाएंगे आपका? ये तो नहीं उठाते, बस इधर पीछे करके लगाए, रोड तो आ गया, हमने पीछे लगाए, रोड आ गया, लेकिन उसकी वजह से रश नहीं हो रहा? रश तो है, ट्रैफिक तो नहीं जाम होती, वो देखें ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है, गलती माने कि गलत है ये सब कुछ करना यहाँ पर, गरीब लोग हैं इसलिए लगाए होते हैं। दुकानों के अंदर लगानी चाहिए और तो आपके खुद में रह के लगानी चाहिए, ये गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जाहिर है ये इधर करके कुछ खाते हैं ना। सामने कैंप लगा हुआ है, वो इस पे काम कर रहे हैं, सामान उठा के लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक जो है मुतासिर हो रही है। ये उठाते हैं भाजी, फिर हम क्या करें, गरीब लोग हैं, वापस कैसे आ जाते हैं, वापस कैसे आ जाती क्या आके ले जाते हैं? उधर जुर्माना होता है ना, जुर्माना यही 700-800 रुपए, हम गरीब लोग हैं, इसकी ये हम दिन को कमाते हैं शाम को तब हम खाते हैं ना, इसलिए। हाँ, वही जो अमला आता है सामान उठाने वो कुछ नहीं कहता आपको? क्यों नहीं कहता, उठाते हैं फिर हम फिर कैसे देते हैं, अलाउ है कि खर्चे देते हैं?
पर्चे देते हैं। पर्चे देते हैं। हाँ जी, इसके बावजूद सामान आ जाता है भाजी। हम जाके उधर दूसरे तीसरे दिन जाके रेड़ी लाते हैं, फिर से मिल जाती है रेड़ी। आसिफ साहब, इस वक्त ये रेड़ी वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें ये वापस मिल जाती है चीज़ें। ये वापस करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये किसकी जिम्मेदारी? ये यहाँ वहाँ पर जाएंगे, ये साहब के आगे पेश होंगे, वो इनको फाइन करेंगे, ये फिर वापस आएंगे। अभी यहाँ पर रेड़ियाँ लगी हैं, वो वहाँ पर भी ये उस तरीके से कभी वापस नहीं आ सकती। अगर कोई कहे कि हम दे देते हैं, क्या तरीकाकार होता है इसका? तरीकाकार ये ऑफिस जाएंगे, ये ZOR साहब के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे हमारे सामान यहाँ यहाँ से आए, स्टोर कीपर उस पर रिपोर्ट करके देखा, हाँ जी ये सामान हमारे पास स्टोर पर मौजूद, वापस कर दें। फिर वो साहब की वो जो है वो इनको फाइन करेंगे, ये विदाउट फाइन नहीं, फाइन होता है वो साहब की मर्जी है, वो इनको 1000 करें, 2000 करें, 3000 करें, वो उनका इख्तियार है, मेरा नहीं। ये विदाउट फाइन वहाँ से ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्टोर इसका रिकॉर्ड है। फाइन करने का मकसद ये है कि दोबारा वो गलती ना की जाए। देखिए, हमें एक जगह से चोट लगेगी तो हमारा काम बनता है वहाँ से बच के जाए, यहाँ से मुझे चोट लगी थी। अच्छा। अगर वो अब दोबारा वहाँ से जाऊँगा ना, फिर मैं जानबूझ के जा रहा हूँ, यानी जानबूझ के फिर भी ये काम। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक जगह से चोट लगेगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यार यहाँ से हमें चोट लगती, मैं यहाँ से नहीं यहाँ से गुजर जाऊँ। देखिए, जो शख्स वहाँ से दोबारा गुजरेगा ना, फिर वो जानबूझ के गुजरेगा। ठीक है, ये थोड़ा आप कह रहे हैं कि अंडर आ रहे। जी जी, आ जाए, मैं वो जो बाहर होंगी वो इसी काम के लिए ट्रक है। ये जहाँ पर जो एक भी ये जगह अलाउ है, जो एक भी रेडी नहीं, ये यहाँ पर इनको यही कहा गया है। अगर आप कहते हैं ये है तो इसको मैं एक मिनट में यहाँ पे रश देखें, एक मिनट में ये उठ गई रेडी, निकाल लो। अभी निकल गई, अभी क्यों निकाली जा रही? इससे पहले नहीं निकले जाइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ट्रक नहीं आप दिखा रहे, ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। दो बार दिखाया, एक बार फिर से दिखा रहे हैं। हमारा स्टाफ यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है कार्रवाई और बैठ भी नहीं रहा है, उनका ख्याल तो करे ना कि ये देखे हाँ जी काम कर रहे हैं। किसकी, किसी को मालूम नहीं है यहाँ पर, किसने मानना है यहाँ पर? ये यही होता है, अगर आप यकीन माने मैं इनको जैकेट्स पहना देता हूँ, ये यूनिफॉर्म हमारा प्रॉपर, जब ये इस तरफ को चलेंगे ना लोग भाग जाते हैं, भागते हुए ये क्या करते हैं, कई दफ़ा लोगों में भी जाके लगे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ आप जैकेट उतारे, ये खड़ा है, इसको आराम से खाली करवाएं, ला के इसको ऊपर लोड कर दें। इस वजह से ये होता है कि लोगों को भी नुकसान नहीं होता, ये उठाई जा रही है, डालो इसको ट्रक पे। ये भाई साहब को वापस मिलेगी? ये हम नहीं देंगे, ये वहाँ से जाके ऑफिस से लेंगे, ये हम नहीं देंगे। जिसका जो प्रोसीजर है, शिकवा कर रहे हैं कि आपको ऑपरेशन नहीं दिखाया जा रहा है, कैमरे की आंख से देख सकते हैं, सारे लगे हैं वहाँ पर, इसे एंड पे छत पे डाल दो, उसको जो है वो ट्रक में अब डाल दिया जाएगा। जी यहाँ ट्रक पे जाएगा, बंदा वापस से नहीं जाएगा तो 1000-2000 फाइन होगा। ये साहब की मर्जी, ऑफिसर की मर्जी है, ये फाइन उनका अख्तियार है, हमारा नहीं। सिर्फ सफाया कर, हमारा काम सिर्फ ये है यहाँ से सामान उठाना है, जो सामान उठाया है जाके स्टोर पे हमने नोट करवाना है, ये फला सामान फला जगह से आया, वो वहाँ पर नोट करेंगे, फिर जब वो ये सामान लेने जाते हैं स्टोर कीपर उस फॉर्म के ऊपर रिपोर्ट करता है कि हाँ जी ये सामान आया है, क्योंकि वो बकायदा वो रिकॉर्ड में होती है सारी चीज़ें। ये आप आए, मैं हम लोग यही करते जा रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरे ट्रक के हालात क्या, कि मैं ट्रक की छत के ऊपर भी सामान डाल रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये देखें, ये इज़ अ वेरी पुअर लोग है ना, लोग बहुत कमज़ोर हैं हमारे पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में ये कमज़ोर लोग, इतने कमज़ोर लोग हैं, ये रोटी खाने के काबिल नहीं हैं, ये मैं ईमान से कहता हूँ, ये बारे बाजार में भी कहता हूँ। आई थे साहब, अलाउ है कि सड़कों पर इस तरह लगाए? नहीं, सड़कों पे ये देखें, सड़कों पे अलाउ नहीं है, लेकिन मजबूरी, बंदे ने पैदल चलना है। मैं आपकी बात सुनूंगी, खवातीन ने पैदल चलना है, फुटपाथ वो रास्ता है जहाँ से पैदल चलना है, उसके ऊपर बाइक से भरमार। बिल्कुल ये बात आपकी बजाय है, लेकिन ये गरीब लोगों की मजबूरी भी है ना, रोटी कमाना, ये हमारी रियासत का पार्किंग का इशू हम रोज डेली अरेस कर रहे हैं, और आगे रिपोर्ट जा रही है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी आ रहा है और ये कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं बाज आ रहे हैं। आप देखें, बाइक यहाँ नहीं, यहाँ तक आपको मिल जाएंगी, बाइक्स वालों ने कोई शक नहीं है, ये रेडियो के आगे ये बाइक्स हैं, बाइक फिर यहाँ पर है, फिर उससे आगे ये शोल्डर शॉप्स है, ये शोल्डर शॉप्स वाले भी जो घूम रहे हैं, हम इनका भी सामान पकड़ लेते हैं, इनका सामान भी हम ट्रक पर रख लें, कि यार उनको कहते हैं कि भाई यहाँ पर आप खड़े हो जाएं, जहाँ पर ये लोग खड़े हैं अपनी रोटी कमाएं, हम किसी को ये नहीं कहते कि यार आपने रोटी नहीं कमाई, रोटी ज़रूर कमाएं, लेकिन इस तरीके से कमाएं कि यार किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, ये बात जेन्युइन बात है, ये बात ठीक बात है, ये आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोगों को जब तकलीफ होती है, ये लोग भी हमारे, रियासत भी हमारी, पाकिस्तान। आसिफ साहब को आप कितने रोज़ से यहाँ पर देख? किसको? ये तो इनकी ड्यूटी है, फर्स्ट टाइम सुबह से 4 बजे तक। कितने रोज से ये ऑपरेशन चल रहा है? ये ऑपरेशन तकरीबन 2 माह से चल रहा है। 2 माह से ये ऑपरेशन चल रहा है, 2 माह से, उसके बावजूद ये सारा यहाँ पर। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ये रियासत का काम है, इनको कुछ जगह दे देना।
कोई जगह दे दें, सेफ्टी दे दें, ये लोग अपने बच्चों की रोटी कमा लें ना, वो भी नहीं हो सकता। डेली बेसिस पे काम नहीं करेंगे ना तो आप यकीन माने यहाँ से पैदल जो गुजरना लोगों का मुश्किल होगा। जगह ही खत्म की हुई है, फुटपाथों पर बाइक्स लगाई कि यहाँ पर लोग, ये बाइक्स वालों का इशू तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पार्किंग वालों को हमने अभी भी कंप्लेंट दोबारा बातचीत नहीं कर रहे, आप उससे रब्ता नहीं कर रहे, कंप्लेंट रिपीट करवा दी। भाई साहब कह रहे 2 महीने से ऑपरेशन जा रहा है, 2 महीने से बाइक स्टैंड के खिलाफ, ये हमारा मेरी ड्यूटी इंक्रोचमेंट पर है, ये काम हम डेली बेसिस में आपको कर रहा हूँ, मैंने आपको फिर रिपीट करता हूँ, 3 से 4 ट्रक कम अज कम यहाँ से डेली बेसिस पे वहाँ पर हमारे स्टोर में। 2 महीने हो गए इस ऑपरेशन को, 2 महीने सवाल यहाँ पर ये कि 2 महीने हो गए इस ऑपरेशन को और 2 महीनों में डेली बेसिस पे 4 ट्रक यहाँ से जा रहे हैं और सामान वहीं का वहीं आता मौजूद है। ऐसे ऐसे 2 महीने शुरू हो गए हो गया तो 4 पंडा सामान उठाएगा। हाँ जी, आप लोग भी अमल नहीं कर रहे हैं इस पे? मैं अमल करने का क्या करेगा, बच्चों को रोजी कमाएंगे ना, हाँ ये 1 महीने में 4 पंडा ये रेड़ी उठाएगा। मैं जी जब आपको हम कहते हैं कि जहाँ भी ये लोग लाइन लेंथ में खड़े हैं, आप लोग वहाँ क्यों नहीं खड़े हो? जगह बंद होता है ना, उधर से नहीं उठाएगा, ये देखो ना सारा रास्ता बंद किया, इधर से ये रेड़ी नहीं उठाएगा, मुझे रेड़ी उधर स्टेशन में खड़ा करेगा, फिर सेठ भी है वो उठाएगा। जब आपको बताया है कि बेटा जहाँ पे ये सब लोग खड़े हैं उस लाइन लेंथ में आके आप लोग भी खड़े हो जाओ, आप लोग जब हट के खड़े हो गए तो फिर वो मेरी मजबूरी है। अब आप ये देखें यहाँ पर भाई, जरा आप भी मेहरबानी करें, जरा इस तरफ देख लें, ये बाइक्स मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इस तरफ मैं यही दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये बाइक्स का क्या इशू बना हुआ है। ये लोग हम लोग 2 टाइम इनका डेली इशू रेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे बॉस जो है वो डेली बाइक्स आप लोगों की होती है, जो लोग मुझे तो मैं तो इस तरह, ये जो कस्टमर आते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए, ये उन लोगों की बाइक्स है, ये इन लोगों की नहीं है बाइक्स, ये उन लोगों की बाइक्स है। अब इसके डेली बेसिस के ऊपर इनके ऊपर भी साहब बार बार आगे भी नोट करवा रहे हैं कि जी पार्किंग का इन्फोर्समेंट है वो यहाँ पर पहुँचे और पार्किंग वाले इशू को नहीं आ रहा, 2 महीने से ऑपरेशन चल रहा लेकिन वो नहीं आ रहा, वो भी आता है, वो आता है अपनी कार्रवाई करते हैं, वो FIR देते हैं, वो चले जाते हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR देते हैं और फिर वही सिलसिला बढ़कर आ रहा है। और में शहर लाहौर को खूबसूरत जो बनाने का मिशन था वो तो चल रहा है, तजावुजात खत्म की जा तरीके से हो और इस काम को बेहतर नहीं काट रहा हूँ। ये आपका शहर लाहौर ही नहीं है, पाकिस्तान रियासत है, पाकिस्तान आपका भी आपका है, दिल नहीं। पंजाब की बात ना करो ना, पूरे पाकिस्तान की बात करो, हमारा पाकिस्तान है, हमारी रियासत है, पंजाब एक रियासत नहीं है, पंजाब एक पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के 4 जिला हैं। ये आप ये रिक्शा देख रहे हैं, इसका कोई काम है यहाँ पर? ये कहाँ आके खड़ा हो गया, ये इसको तरह काम कर रहे हैं, बल्दी इसमें काम कर रहे हैं, इसको किसी तरीके से जो है आगे ले जाके दिखा ले, कुछ देख ले, नहीं उसने सेंटर में खड़ा कर दी, शायद उसने कहा बॉक्स अनलोड करना है, ये किस काम के लिए आया उसको पता भी नहीं है। आपने जैसे ही कहा हमारा साहब ये करता रहता है कि भाई इसको निकाल, इसको आगे ले जा, ट्रैफिक को रवा रवा रखो, ट्रैफिक मत रुकने दो, ट्रैफिक मत रुकने दो, इस हमारे सारे काम करने का असल मकसद यही है कि यहाँ पर ट्रैफिक चलते रहे, ट्रैफिक इसकी वजह जो है ना, इसको सिर्फ रोटी इसको सिर्फ रोटी की पड़ी हुई है, मैंने रोटी कहाँ से कमानी है, मैंने इसको इसका कस्टमर कहाँ से पकड़ना है, ये इसलिए खड़ा हुआ है यहाँ पर पकड़ने, मेन रोड पे आके जहाँ पे पहले ही इतना तजावुजात की मेरी मेरी मेरी, मेरी अर्ज सुने ना, हर इंसान रोटी के लिए तो वो दो करता है, पढ़ने के लिए चीन जाना पड़ता है, रोटी कमाने के लिए जहाँ से रोटी उसको मिलती है अल्लाह पाक उसको ले कर जाता है, ये हमारा ईमान है, ठीक है। इसकी रोटी जहाँ पे लिखी है वो खड़ा होगा, ना आप रोक सकती हैं, ना हमारी रियासत रोक सकती है, ना मैं रोक सकता हूँ, इसकी रोटी भाई साहब ये ना जहाँ से इसने, हाँ जी साहब, कोई डिसिप्लिन में कोई चीज़ है कि नहीं? डिसिप्लिन कोई नहीं रोक रहा किसी को, हम खुद कह रहे हैं भाई अपनी डिसिप्लिन भी तो कोई चीज़ है, तरीके कार से कमाओ, ऐसे वो कैसा काम नहीं करो कि अपनी रोटी के चक्कर में आप लोगों को तकलीफ दें, वो काम ना करें, काम इस तरीके से करें किसी को तकलीफ भी ना हो। रश होता है कि लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, एम्बुलेंस यहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजरती है, ऐसा ही बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं। अगर मैं कह रहा हूँ अगर हम यहाँ पर डेली बेसिस पे काम ना करें तो यहाँ पर थोड़ी आपको ट्रैफिक चलती हुई नजर आ रही है ना, ये आपको चलती हुई नजर ना आए। माय डियर सिस्टर, मेरी रिक्वेस्ट है ना, मैं हम तो एक चीज समझते हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात इज वेरी वीक, बहुत कमजोर हो चुके हैं, ये लोग रोटी कमाने के लिए ना यकीन माने बड़े परेशान हैं, फुटपाथ पे कमाते हैं, रोड पे कमाते हैं, मुंडे पे उठा के कमाते हैं, लेकिन बच्चों का पेट पा रहे हैं, ये मुझे आपके पास 100% दुरुस्त है लेकिन आप मुनासिब नहीं समझते। अगर आपने यहाँ पर रेडी नहीं लगाई और आप एक आम शहरी की हैसियत से यहाँ से गुजर रहे हैं और गुजरने में मुश्किल है तो आपको दुख होगा? हम बिल्कुल दुख होगा,
बिल्कुल दुख होगा। जो शहरी है ये फुटपाथ पे चलते हैं, उनको चलने का मौका भी दिया जाए, रास्ता भी दिया जाए। ये इसमें हम रियासत के साथ हैं, इंक्रोचमेंट के साथ हैं। मेरी वाली बात आपने कर दी, आपकी मेहरबानी है कि रोटी कम आए इस तरीके से, नहीं कि किसी को तकलीफ हो, किसी को तकलीफ देकर काम किया जाए वो काम अच्छा तो नहीं होगा ना। क्या करना है ये जो भाई साहब ये पीछे स्टैंड पकड़े, ये आपने देखा कि अभी भी लड़के उठा उठा के इनको ट्रक्स पर फेंक रहे हैं, और ये लोगों का यही काम है, ये लोग बाज नहीं आते, इनका सामान उठा के हम लोग ट्रक पर जाके स्टोर पर जमा होना है, हर हाल में वहीं जमा होना है, यहाँ नहीं रहना। इनका सामान वापस मिल जाता है जी, उन्होंने पैसे खर्चे होते जी। इनका सामान मैंने आपको तरीकाकार भी बता दिया है कि ये जाते हैं स्टोर कीपर उसके फॉर्म के ऊपर रिपोर्ट करके देता है, वो सामान जो है वो साहब के पास जाते हैं जी, ये हमारा सामान आया, वो जब देखते हैं रिपोर्ट हुई भी हाँ ये इसका मतलब आया हुआ है, उसके मुताबिक फिर इनको फाइन किया। ये वाले लूटते हैं मेरा काम, हाँ ये देखे ना कितना जुल्म है, गरीब लोगों को रोटी खाने नहीं देते, लैंड क्रूजरों में फिरते हैं। हाला गुस्सा थोड़ा ठंडा करें, क्या गुस्सा करें, गुस्सा थोड़ा ठंडा करें, ये एलडीए वालों की बननी है, नहीं, नहीं। दे दो 50 रुपए अभी रेडी छोड़ देंगे, आप गरीब आदमियों से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया गरीबों से, क्या सुने ठंडा करें। मैं सहाफी की बीवी हूँ, सहाफी की बीवी हूँ मैं, जवेद हसन जैदी जो क्या मैं दुनिया में नहीं रहे बैठ, समझती है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो जावजात की वजह से हो गया, गरीब लोग कहाँ जाएं, लंडा भी नहीं रहा, तो बादर रास्ता निकाल लें, तो बादर रास्ता तो ये क्या ये गरीब क्या खाना खाएंगे घर जाकर। ये रेहड़ियों को तो आपको पता चल गया कि रेहड़ी रोड पे खड़ा है, लेकिन ये पाकिस्तान आप लोग कुछ करते तो है नहीं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जावजात बेटी तो जावजात की जगह जावजात किधर जाए, बात सुन ले ठंडी रेहड़ी डालेगा अपना यार मैं कूल हूँ, मैं बुध बाजार लगता पंजाब सोसाइटी से आई हूँ, मैं बुध बाजार लगा रेड़ियाँ उल्टाई, अमरूद कहीं चले गए, किन्नू कहीं चले गए, खाने पीने वाले बच्चे क्या खाएंगे रात को, इनकी गुर्दियाँ पहले यजीद पे करते थे, अभी मौजूदा हुकूमत दे दी है मेरा पैगाम, ठीक है उठा रहे हैं तो क्या कर रहे थे, हुकूमत को ही मुतबादर रोजगार दे, गरीब आदमी 500 हुकूमत को मुतबादर रोजगार नहीं दे रही, रोजगार मर जा का पेट नहीं भरता। तो इस वक्त जो यहाँ पर सारा तजावुजात लगाने वाला अमला था वो आपके सामने था, और इंसदादे तजावुजात के हवाले से कैंप भी जो मौजूद है वो काम कर रहे हैं। गुजरने का रास्ता भी नहीं है आप देख सकते हैं, और सवाल यहाँ पर ये है कि एक जानिब तजावुजात का कैंप लगाया गया है, लोगों को जो है वो महरूम किया जा रहा है, उनके सामान से यहाँ से सामान उठाया जा रहा है, लेकिन उनको भी क्या परेशानी है वो भी आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? शुक्र है, ठीक है। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, चीज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन कोई मुतबादल रोजगार भी इसका हुकूमत को देना चाहिए। ये जो उठा रही है आप खुद देख रही है, इसका रोज़ का काम है, रोज़ ये उठाते हैं, हम जुर्माने दे के छुड़वाते हैं, ठीक है। दूसरे जो रोड पे ये लोग खड़ा होते हैं, ये मार्केट का नहीं है, जो मार्केट का मतलब टिशू, ये मार्केट वाला खुद बेचारे पांच चौकीदार रखा हुआ है 50,000 रुपये इन लोगों के लिए, बाहर आते हैं, कल भी इधर लड़ाई हुआ है मार्केट वाला, उस वाले की लड़ाई हुआ है, मार्केट वाला सारा बाहर आया था, जो बाहर ये रेडियो ये जो जैकेट कारपोरेशन नहीं नहीं है अपना, अपने ये कारोबार वाले लोगों का जो जैकेट बेचते हैं इसका, और ये उस वाले का अंदर मार्केट वाले के साथ बड़ा लड़ाई हुआ है, किसी पूछ लो, लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं होते मैडम। 2 महीने काम का, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर, ये 2 महीने भाई साहब कहते हैं 2 महीने से ऑपरेशन चल रहा है, ये 2 महीने से ऑपरेशन भी चल रहा है, 2 महीने हमारा काम का भी है, बाकी 10 महीने आप देखे गर्मी में आ जाइए, यहाँ पर रश भी नहीं होते ना कारोबार होते हैं, बस इंतजार करते हैं 2 महीनों का, सिर्फ ये 2 महीनों का इंतजार करते हैं, बाकी मैडम ये इदारा नहीं, हम ये कारोबार वाली सारा इंतजार 10 महीने इंतजार करते हैं 2 महीनों के लिए, 12 महीनों में 2 महीने इंतजार करते हैं कि यहाँ काम हो, काम होते हैं हमारा, अच्छा काम होता है, सबका काम होते हैं, बाकी 10 महीने नहीं होते यहाँ पर, गाह खाते यहाँ पर रश बड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये मशहूर लंडा है, बड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, फैसलाबाद से, जो कारपोरेशन वाली टीमें यहाँ काम कर रही है, इनका कहना है कि 2 महीने से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सिलसिला यहाँ पर है, सफाई नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मौजूद है पार्किंग, यहाँ मौजूद है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब आया था पिछले साल में, उसने ये जो 2-3 लेन है ना सड़क के ऊपर, ये जो है ये उसने खुद कहा कि ये लगा लो सड़क पे नहीं आने पर, मैडम किसको कोई समझा ले, लोग सड़क पे ही आ रहे हैं, लेकिन जो अगर ये सड़क पे ये लोग नहीं आएगा तो हमारी लेनी है, ये सब कोई भी कोई शिकायत नहीं करेगा, हम रोड ब्लॉक होने ही नहीं देते, रोड ब्लॉक
नहीं होने देते। रोड इधर मैं आपको दिखा दूंगा, हमारा 6-7 चौकीदार हमारा खड़े है, सबसे पूछो कसम दे के दे दो 53-50 हजार रुपए उसका तनख्वाह है। 7 चौकीदार खड़ा हुआ है यहाँ से ले तक वहाँ तक, हमने चौकीदार खड़ा किया। चौकीदार यहाँ क्या काम करते? चौकीदार ही करते हैं। हाँ, ये सफाई करते हैं। पार्किंग भी देख रहे हैं? पार्किंग नहीं, पार्किंग से नहीं। आपने कहा चौकीदार यहाँ मौजूद होता है, सारा सिस्टम देख रहे हैं, लेकिन रश तो वैसे ही है। रश तो ये तो गाहक है, गाहक को कैसे कहे कि आप चले जाओ, गाहक तो आते हैं। कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। आपने भी एक दिन आना यहाँ पर शॉपिंग करने। अच्छा। ये तो हम तो किसी को नहीं कह सकते कि शॉपिंग करने मत आओ। अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 महीनों में लोग ज्यादा आते हैं, बड़ा ज्यादा आते हैं, थोड़ा नहीं बड़े तादाद में आते हैं। आप इतवार को आ जाओ तौबा निकाल दोगे। इतवार के सबसे सख्त दिन हमारा इतवार का होता है, जो हमें सारा दिन उधर ही गुजारना होता है। खस्त खुदा की कसम, ना रोटी खाते हैं ना नमाज पढ़ते, चौकीदारी की वजह से इधर ही खड़ा होता है। इस तरह भाई गाड़ी इधर करो, बंदा इधर करो, ये इधर करो, उधर करो, ऐसे है लोग है। मोटरसाइकिल वाला आते गाहक होते हैं, ग्रेवान से पकड़ते कहते तेरा बाप करोटे, गाली भाई हमको पड़ती है, लांजा भी हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी हमारा कारोबार है, गरीबी है, हमको करना पड़ता है। लेकिन ये जो ये रोड का रेडिया है ना, रोड का, और ये जो जैकेट वाला है, सिर्फ इन लोगों ने थोड़ा रश बनाया हुआ है। ये लेग सेट पे हो जाए तो बाकी कोई रेडियो वालों ने और इन लोगों ने रश जो बाहर ये लगा हुआ है, की तो बात हो रही है भाई। इस ये नहीं चाहिएगा, ये 2 घंटों सुबह से शाम तक ये एलडी वाले इसका 5-5 रेडियो उठाते हैं, ठीक है, उधर जाके जुर्माना करके वापस आते हैं, वापस आ जाते हैं। यही तो मसला है कि चीजें वापस नहीं करनी चाहिए। स्टोर में तो ये वापस होते हैं, तो हर जगह में स्टोर में होते हैं, वो जुर्माना लगा के वापस हो जाते हैं हर जगह में, ऐसे नहीं कि अगले दिन आके लगा लेते हैं। हाँ, तो ये तो होना है ना, दुकानों वालों से तो कोई मसला ही नहीं है। आप लोग इतना करो, जो मीडिया वाला है आप लोग इतना करो, देखो हमारा बात कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, मीडिया का बात चलता है, कम से कम इतना तो हमारे लिए बात उठा लो कि भाई इस गरीबों को कोई जगह दे दो, रेडियो को कोई अलग जगह दे दो, कोई सेट पे जगह दे दो। हुकाम बाला से कहे ना कि आपको कोई जगह दी जाए, इन लोगों का काम तो आगे आके आपकी यहाँ का जितना इदारे वाला है उससे हम ना बात कर सकते हैं ना हमारा बात सुनता है, बस वो पकड़ के लेके यही जो बस उसका पकड़ के लेके जाते हैं, बस इसके अलावा कोई काम हमारे साथ नहीं होते। लेकिन उसको हम उंगली नहीं कर सकते कि उसको हम बोले तुम जेती कर रहे, हम जेती कर रहे हैं, रोड बंद है हम जेती कर रहे हैं, वो लोग तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारा गरीबी मजबूरी है मैडम, सीधी बात है मजबूरी है। हर बंदे से पूछो, और फिर हमारा कबायली इलाकों में जो ये अंदर दुकान है आपकी, एक जो रेडी बार है यहाँ पर, वो एक दिन में कितने पैसे कमाता होगा आपके साथ? नसीब है कभी कितना कभी कितना, आप को जरा काम होता है अच्छा सा, वो समझो कि आप 5-10 हजार कमा सकते हो, बाकी नहीं। 5-10 हजार एक दिन का, ये हफ्ता इतवार का, लेकिन ये 5 दिन जो है ना, ये 5 दिन में लोग उनकी भी चीज़ें उठा ली जाती हैं, वो सिर्फ इसलिए कि लाहौर को साफ सुथरा बनाना है तजावुजात से, लेकिन उनको भी कोई मुतबादल रोजगार मिलना चाहिए। नहीं नहीं कह सकते ना, वो हम के ना कोई सुनेगा हमारा, अगर हम कह भी दे तो कोई नहीं सुनेगा हमारा। हमारा तो हमको इतना आता है कि अगर ठीक है ये नाजायज है, रोड बंद है, लेकिन कोई जगह हमें दे दे सेट में। यहाँ पे पार्किंग, फुटपाथ पे पार्किंग, समझते हैं? पार्किंग नहीं है फुटपाथ पे, वो तो कौन देख रहे हैं, ये गाहक खुद लगाते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, फुटपाथ पर हाँ ऐसे गाहक होते हैं, वो ग्रेवान से भी पकड़ते कि तुम्हारा बाप करोड़ है, कहते हैं आपसे आके कि ये जो स्टैंड नहीं है सामने लगा, ये स्टैंड नहीं है, ये स्टैंड है, और वो सामने पार्किंग, झगड़ा भी हो मैडम क्या हो गया, कोई ऐसा होते है घर से लड़ाई करके आते, हमारा बात ही नहीं सुनते, यकीन मानो। ऐसे बहुत बार हमारे साथ हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हमारे साथ हुआ है। हम उसको बोलते भाई मोटरसाइकिल मत खड़ा कर दो, डायरेक्ट एक सवाल करते तेरा बाप करोड़ है, फिर इसके बाद हमारा पास सवाल नहीं होता, हम उसको बोले कि हमारा बाप करोड़ है कि नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। सब बहुत शुक्रिया, यहाँ पर तजावुजात की जो भरमार है वो एक मसला, बड़ा अहम मसला है, और इस हवाले से काम भी किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये है कि जो रेड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनको उठाया तो जा रहा है और अगले दिन उनको वापस कर दिया जाता है, अगर वापस कर दिया जाए तो फिर वैसे ही यहाँ पर सूरत हाल बरकरार होती है, तो तजावुजात यहाँ पर होती हैं। दुकानदारों की बात आपने सुनी है, रेडी बानों की बात आपने सुनी है, इसके अलावा जो इंसदाद कैंप के हवाले से तजावुजात को जो कैंप यहाँ पर लगाया गया है वो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर सफाया कर रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो आपके सामने है, फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तजावुजात का मसला तो हाल बरकरार है, और इदारे अपनी तरफ से तो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग तजावुजात लगाए बैठे हैं उनको भी इस हवाले से थोड़ा तआवुन करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो खवातीन गुजर रही हैं, जो लोग गुजर रहे हैं एमरजेंसी में, जो एम्बुलेंस गुजर रही है, उनको आसानी से रास्ता दिया जा सकते। तजावुजात का मसला कब तक बरकरार रहेगा, प्रोग्राम लाहौरनामा के तवस्सुत से आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।